शहीदा की नगरी है और काफी शहीद देश भर के मायने झुंझुनू की जमीन है, झुंझुनू की जो धरती है, झुंझुनू की जो माटी है, बादे है। क्यों जाता है फौज मरोगे हमारी छोरी विधवा हो जाएगी। मेरे कोई मेडिकल नहीं किया, फटाफट मुझे 10 रुपया दिया, बरेली भेज दिया। उस टाइम 10 रुपए का, उस टाइम तनख्वाह हमारी मात्र 45 रुपए थे महीने की। 45 रुपया मिलता फौज में, 45 रुपया महीना का मिलता। ये 4 साल वाले के मैं एक सैनिक होने के नाते सख्त विरोधी हूँ। 4 साल में क्या सीखेगा, 1 साल की ट्रेनिंग 3 साल में क्या सीखेगा, ये गलत है। नमस्कार, राम राम। मैं थारो देसी पत्रकार अरुण और झलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। अभी फिलहाल मैं मौजूद हूँ कुठा गोरची तहसील के पोसाना ग्राम पंचायत के मायने शहीद स्मारक के ऊपर, जठे एक ही छत के नीचे 6 शहीद प्रतिमा मौजूद ही। आज शहीद प्रतिमा बनाबा के पीछे जो नंद देव जी सुबेदार ही, बाकी काफी मेहनत और मशक्कत है, काफी चर्चा भागा सुने ही कि वे काफी जो सरकारी ऑफिस ही बड़े तक पूछे ही, अड़ा तक कि वे जो राजपूताना रेजिमेंट का दफ्तर ही बड़ा तक भी पूछे ही। तो ये सारी सफर के बारे में नंद देव जी वह बातचीत करेंगे कि कठे तो यो विचार आयो, साथ में सौ ज्यादा सहयोग है वो किको मिलो, और इस सफर के मायने की कठिनाई ही वह आई, और अया की जो प्रतिमा ही वह क्यों जरूरी ही, सारी बातचीत आप करेंगे। थानू वीडियो शेयर कर देना और लास्ट तक बने रहना। स्मारक के नीचे जो प्रतिमा ही शहीदा की, पूरे गांव का जो शहीद है भाई, एक ही स्मारक के नीचे आगे प्रतिमा लगाबा को सरे है नंद देव जी जा है। तो इस सफर के बारे में बातचीत आप करेंगा। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। आखिर एक ही स्मारक के नीचे प्रतिमा लगाबा को विचार है तारे कठे आयो? ये विचार तो हमें मिला प्रेम सिंह बाजोर साहब की तरफ से, उन्होंने हमें सहयोग दिया और प्रोत्साहित उन्होंने किया था। उससे पहले हमें इसी गांव में रहते थे, हमारे दिमाग में नहीं आता, पर उन्होंने हमें जगाया, हम सो रहे थे, सोओं को जगाया। कब की बात है? एक साल पहले ये बात है 2021 की। अच्छा, लंबा टाइम नहीं है। उन्होंने हमें जगाया, उन्होंने हमें राय दी कि इतने शहीद गांव में मूर्ति एक ही बनी है, तो हमने उनसे माफी मांगी है। ये जहाँ मूर्तियां लगी हुई ये जगह दिखाया, उन्होंने पास की थी, ये जगह थी गोचर भूमि, उसके बावजूद इसको हमने जो है कन्वर्ट करवाया इस गोचर भूमि को। 10 एरे जगह हमें कलेक्टर साहब ने, जिला झुंझुनू कलेक्टर साहब ने आबादी की भूमि दी है, ये मतलब आबादी है। ये सारा श्रेय मैं तो दूंगा प्रेम सिंह साहब को। फिर मैं सैनिक होने के नाते मेरे इन चीजों का बड़ा चाव है। मैं 3 बार दिल्ली गया हूँ कि 2 शहीद जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के थे, वो राजीव के थे अंग्रेज जमाने के, उनका हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं था। वो रिकॉर्ड के वहां मेरे को एक ब्रिगेडियर साहब थे सरदार जी, बड़ी मदद की उन्होंने, पूरा खंडर से कागज निकाल के मेरे को रिकॉर्ड दे दिया, कब भर्ती हुए थे, कब शहीद हुए, कहाँ शहीद हुए थे। दादाजी, और के परेशानी को सामना थाने करना पड़े? परेशानी तो आपको पता है वो हुआ ही करती है भाई। गांव की तरफ से हमें पूरा सहयोग मिला, गांव ने कभी हमें डिस्टर्ब नहीं किया इस मामले में, गांव ने कभी डिस्टर्ब नहीं किया। जहां तक चंदे का सवाल है, जो कमजोर तबका था उसे कम दे दिया, वो वही मंजूर है। जो ठीक ठाक वाले थे वो अच्छा पैसा, सबने एक जैसा चंदा नहीं लिया, चंदा गांव से नहीं लिया, चंदा हुआ सिर्फ इन 5 शहीदों का ही। और ये छठी जो अभी अनावरण होना बाकी है, इसका पूरा खर्चा शहीद के माँ बाप ने पूरा किया है, और ये छठी जो जिसका अनावरण होना बाकी है, इसका पूरा खर्चा इसके माँ बाप ने, मूर्तियों का पैसा प्रेम साहब, प्रेम बहादुर साहब ने दिया था, इस मूर्ति का पैसा भी शहीद के माँ बाप ने दिया है। 1,11,000 की मूर्ति बन के आई है, और इसका पूरा पैसा माँ बाप ने पेमेंट किया। अच्छा, यह 4 दीवारी और स्मारक बनावा के लिए खर्चो गांव को सहयोग करे? ना ना साहब, पूरा मतलब शहीदों का ही है। अच्छा, पूरा जो बाउंड्री वगैरह बने, जहां हम खड़े इंटरलॉक, ये सरकारी खर्चे से हुआ है, ये इंटरलॉक जो सरकारी खर्चे से, प्रधान की रिक्वेस्ट किया प्रधान से, उन्हें लगवा के दिया, बाकी ये पूरा 4 दीवारी और ये शेड, ये मतलब शहीदों के परिवारों से हुआ। अच्छा, एक स्मारक बना पागा मैंने, सरकार को क्या सहयोग मिलू? 1 रुपया सरकार से नहीं मिला हमें। जी टाइम कोई अर्जी रिक्वेस्ट कौन करेगी? प्रयास तो किया था, कहा भी हमें आश्वासन दिया गया, पर 1 रुपया नहीं मिला हमें। अच्छा दादू जी, मैंने एक चीज बताओ, काफी उम्र दराज हो, सेना से थे बिलोंग करो, तो शहीदों को सम्मान क्यों जरूरी है? शहीदों का साहब वैसे देखा जाए तो किसी भी देश में, हमारे हिंदुस्तान में नहीं है, किसी देश में शहीद देश की शान होती है। शहीद मतलब मुंह मरते नहीं, शहीद उसको कहा जाता है जो मरने के बाद में जिंदा रहता है, उसको शहीद कहा जाता है। मरता हुआ जो चार्ज मरता है, जिनके गोले लगते हैं सीने में देश के लिए, वो उसको शहीद करते हैं। तो शहीद कभी नहीं मरता, शहीद जिंदा, जब तक
धरती रहेगी, शहीद जिंदा रहेगा, शहीद नहीं मरते। अच्छा दादू जी मैंने और बताओ, एक अलावा जहाँ शुरू को मैंने थे वो विचार आयो धन प्रेम सिंह जी बाजौर द्वारा वो विचार दियो गयो जब थे भी विचार से सहमत होया तो जी टाइम थाने को लगे कि भाई वो काफी खर्चीलो काम है और काफी दिक्कत आऊंगी जी टाइम डीमोटिवेट होने लगे थे। बहुत मुश्किल लग रहा था, हम हताश भी हुए हैं कि पैसा नहीं था, सबके पास पैसा नहीं, सही परिवार इतने संपन्न नहीं थे, उनके पास पैसा नहीं था, बड़ी परेशानी आई है पैसे के लिए, ऐसा बहुत परेशानी हुई है, डिमोरलाइज हुए हम, पर फिर भी भगवान ने हमारी मदद की और फर्स्ट क्लास शानदार शहर बन गया। यानी राजस्थान मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में आपको एक शहर के नीचे छह प्रतिमाएं शहीदों की नहीं मिलेंगी, गाँव में एक एक दो दो पांच पांच तो है, बाकी एक शहर के एक छत के नीचे नहीं मिलेंगी। मुस्लिम लोग हैं वो मूर्ति पूजक नहीं है, शहीद हमसे ज्यादा है, नुआ के भी हैं और वो लोग मूर्ति पूजक नहीं है, उन्होंने अपना वो बना रखा शहीद स्मारक, वैसे नाम लिख रखे हैं। तो एक शेड के नीचे छह मूर्तियों का सेम तो बार बार बाजौर साहब को दूंगा, उनने हमें प्रोत्साहित किया और हमने अपने लगन से काम चालू कर दिया। अच्छा दादा जी अभी मूर्ति को अनावरण प्रतिमा को अनावरण कर दो, एक अभी बातचीत चल रही है, सोच समझ के बाद में करेंगे, पूछताछ करके बाद में करेंगे हम, क्योंकि इसमें स्थानीय एक दो नेता को बुलाना जरूर होता है, बाकी आर्मी के रिटायर्ड अफसर है, पहले भी हमने अफसरों को बुलाया था, ये इसी गांव पड़ोस के ब्रिगेडियर भगवान सिंह है, एक जनरल साहब रिटायर होकर रघुनाथपुरा के, उनको हम जरूर बुलाएंगे, एक जनरल साहब कटेवा साहब उनको हम बुलाएंगे। अच्छा आप प्रतिमा है की दादू जी? ये मतलब रोहतास है, कब शहीद हुए? ये 2022 में 24 अक्टूबर 2022 को आपने अखबारों में पढ़ा होगा, अरुणाचल में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, उसमें पायलट भी अपना राजस्थान के थे और एक दूसरा जवान था, ये मतलब हवलदार था, अरुणाचल में क्रैश हो गया 2022 को, सिविल एजुकेशन हायर सेकेंडरी पास कर चुका था, मेरे चाव था पहले से फौजी लग गया, बड़ा भाई भी आर्मी में था, उनको उनकी वर्दी देख देख के मेरे चाव लग गया कि मैं भी फौजी बनूं। तो बरेली से जाट रेजिमेंट का मेज साहब आया था गणपत सिंह, स्पेशल भर्ती के लिए नवलगढ़ पोदार कॉलेज में, उन्हें दौड़ लगाई सब, मैं फर्स्ट आ गया, मेरे कोई मेडिकल नहीं किया, फटाफट मुझे 10 रुपया दिया, बरेली भेज दिया, उस टाइम 10 रुपये उस टाइम तनख्वाह हमारी मात्र 45 रुपये थे महीने की। 45 रुपये मिलता, 45 रुपया महीना का मिलता। तो दादा जी आजकल तो जो काफी टफ एग्जाम हुए, काफी टफ है, टेस्ट भी हुए मेडिकल फिर फेर भर्ती हुए, तो जी टाइम अति सरल मेरा उस टाइम भी था पर इतना नहीं था, उससे हमसे पहले तो ऐसा भी था, एक बांस लेके गांव में आते थे भर्ती करने वाले, उनको देख के लोग बाजे में छुप जाया करते थे, धक्का दे के ले जाया करता, तो पॉपुलेशन कम थी। अच्छा फिर फौज के भ्रांति थी लोगों के वो फौज तो जाते ही गोली लगे मरे को मारी छोड़ी। तो दादा जी आ एक दिमाग में सोच क्यों रहे, अब फौजों के प्रति अब सही उल्टा हो गया, अब उल्टा उल्टा हो गया, अब फौजी हो जाओ चाहे भलाई वो ट्रेडमैन क्यों ना हो, फौज में झाड़ू लगाने वाले हैं उनमें भर्ती हो जाओ, सगाई हो जाएगी, शादी भी हो जाएगी, उल्टा हो गया पहले से, पहले फौजी की सगाई वगाई बहुत कम होती है, डरता लोग क्यों जाते हैं फौज में मरोगे हमारी छोरी विधवा हो जाएगी, वो डर रहते हो डर रहते, अब उसका उल्टा हो गया। जी आजकल तो जो फौज अग्निवीर ये 4 साल वाले के, मैं एक सैनिक होने के नाते सख्त विरोधी हूँ, हमारे हिंदुस्तान में ये फिट नहीं है, यदि ऐसी चलती रही 30 साल तक देश दोबारा गुलाम हो जाएगा, 4 साल में क्या सीखेगा, मैं 30 साल रहा हूँ, मैं भी मास्टर नहीं, मैं अपने आप को मास्टर कह ही नहीं सकता, मैं जो इन्फेंट्री में हथियार है वही चला सकता हूँ, बाकी मास्टर थोड़ी हूँ, 1 साल की ट्रेनिंग 3 साल में क्या सीखेगा, ये गलत है हमारे देश में, घाटा है। अच्छा घाटा कर दियो क्यों? हाँ ये देश के पूरा घाटा है, फिर नौजवान तबका जाएगा कहाँ, 4 साल के बाद कहाँ जाएगा, वो बेकार हो जाएगा, आवारा हो जाएगा। तो एक मैं के सुधार होना चाहिए दादा जी, थारे हिसाब से हटना चाहिए, अभी हाँ भी करिए, अभी सुनने में आया पेपर में देखा है, हाँ भी करिए प्रधानमंत्री ने कि अग्निवीर को हम विड्रा कर लेंगे, वो करना जरूरी भी है, देश के युवाओं के लिए ध्यान में रखा हुआ, देश का पूरा युवा मतलब इसके खिलाफ है, और आपने इलेक्शन देख लिया होगा, आज से 5 साल पहले जो 3 लाख 4 लाख वोट जो जीते थे वो हार रहे हैं, इससे अंदाज लगा लो सारा युवा हिंदुस्तान का खिलाफ है इसके, और किसान वर्ग भी खिलाफ हो गया। अच्छा दादू जी मैंने एक चीज और बताओ, जी टाइम की फौज में और आज की फौज में क्या फर्क है? उस टाइम की फौज में आज की में रात और दिन में फर्क कैसा हो गया, उस टाइम सीधे सीधे हथियार ही थे। अच्छा
अनुशासन ज्यादा रहा था। जैसे गाँव में भी पहले अनुशासन लगातार कमजोर हो गया ना, तो गाँव से तो आदमी जाते ना, वहाँ ऊपर से नहीं कोई आता, वो कमजोर वहां भी हो गया। फिर आजकल नए नए टेक्नोलॉजी हो गया, जैसे टैंक आ गए उनके ऊपर कंप्यूटर लगे हुए हैं, मिजाइल लगे हुए हैं, सही आपने रिसर्च ले ली, बटन दबाया तो दुश्मन के ठिकाने में जाकर मार करेगा, पहले ऐसा नहीं था। अब टेक्नोलॉजी ज्यादा आर्मी में होगी, अनपढ़ आदमी कामयाब नहीं हो सकता उसमें, कम से कम मेट्रिकुलेशन तो होना ही चाहिए, पहले गुंठा छाप भी हो जाता, अब नहीं चल सकता, पहले चल जाता, अब चल जाता, अब कौन चले, अब नहीं चलेगा।